गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है होली और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली एंड फ्रेंड्स को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। सो अभी तो मैं उठी हूँ सो के, रात को भी मुझे बहुत लेट हो गया था सोने में क्योंकि मैं दही बड़े एंड ऑल सब कुछ बना रही थी। वैसे तो इस बार की होली हर बार के जैसे नहीं है क्योंकि सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं कोविड की वजह से, और इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप भी ना करें। बट फिर भी वी हैव फ्यू फ्रेंड्स जो हमारे नेबर भी हैं वो शायद हमें ज्वाइन करें, बट आई एम नॉट श्योर अभी भी। और मैंने इस बार ज़्यादा होली पे कुछ बनाया नहीं है हर बार के जैसे, क्योंकि गुजिया वगैरह मैं बनाती थी बट मेरे फैमिली में इतना कोई खाता नहीं है। सो मुझे पसंद है और मैं खा खा के अपना वेट बढ़ाती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस समय जैसे कि बहुत हेल्दी हेल्दी सब कुछ हो रहा है, यू नो वी आर गेटिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस देन एवर बिफोर, सो मैंने इस बार स्किप कर दिया वो बनाना। बट मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, मैंने दही बड़ा बनाया है, मैंने मटर की चाट बनाई है, और मैंने थोड़े से नमक पारे और शक्कर पारे भी बना दिए क्योंकि मुझे पता है इस बार मेरे घर में भी कोई ज़्यादा लोग आने वाले नहीं हैं। तो जब कोई आएगा ही नहीं तो बस घर वालों के लिए थोड़ा बहुत, यू नो ऑब्वियसली फेस्टिवल है तो हमें हमारे इंडियन कल्चर में फेस्टिवल तभी पता चलते हैं जब आप घर में कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाएं, तब लगता है कि घर में खुशियां हैं और फेस्टिवल हमें याद दिलाते हैं कि हाउ हैप्पी वी आर। बीच बीच में जिनके घर में पकवानों की खुशबू आती है तो लगता है कि यू नो हैप्पीनेस इज कुकिंग, समवन इज कुकिंग हैप्पीनेस। तो ये रीज़न है, इसलिए मैंने बना लिया था थोड़ा बहुत जितना मुझे लगा। बाकी आगे शायद मुझे व्लॉग करने का, मतलब इतना रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम ना मिले, बट मैं क्लिप्स ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी आप सबके लिए ताकि आप सब देख सकें कि हाउ आई सेलिब्रेटेड माय होली। क्योंकि इतना कलर एंड ऑल होता है तो मुझे लग रहा था कि कहीं पानी वानी में फ़ोन वोन गिर जाए या कुछ हो जाए, इट्स वेरी रिस्की। बट आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड वॉट एवर आई विल डू इन होल डे। फ़िलहाल अभी मुझे नहाने जाना है, मैं होली में दो बार नहाती हूँ, एक बार तो सुबह उठ के जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि भगवान जी को भोग वगैरह लगाना होता है, फिर अगर होली खेली तो उसके बाद वापस से कलर्स को निकालने के लिए नहाना पड़ता है, तो इसलिए मैं दो बार नहाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं नहा के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बट ज़रूर कहूँगी एक बात कि बहुत सारे लोग होली नहीं खेलते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, बट मैं भी बचपन में नहीं खेलती थी क्योंकि हमारे, मैं जैसे यूपी से हूँ तो वहाँ पे गीले वाले केमिकल वाले रंग यूज़ करते थे तो डर लगता था। लेकिन अब बहुत अच्छे क्वालिटी के कलर्स अवेलेबल हैं, स्किन फ्रेंडली हर्बल कलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता। टैल्कम पाउडर से बनते हैं या सूखे हुए ड्राइड फ्लावर्स से बनते हैं, काफ़ी नेचुरल वो होते हैं कलर, स्किन फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक। तो मुझे लगता है रंग सबको खेलने चाहिए, कोई और रीज़न है तो इट्स ओके, बट हमारे लाइफ में हम हमेशा कलर्स होने चाहिए और होली एक ऐसा त्यौहार है विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस कलर्स टू योर लाइफ। सो थोड़ा सा शगुन ज़रूर करिए, कलर से डरिए मत, इट्स एक्चुअली गुड। कहते हैं ना रंग अच्छे हैं एंड इट्स एक्चुअली गुड, सच में रंग अच्छे होते हैं। मुझे होली फेस्टिवल बहुत पसंद है। तो आई थिंक, चलिए आई थिंक आई गुड टू गो नाउ, मुझे अब नहाने में थोड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो अभी कोई आ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूजा वूजा करके एक बार फुर्सत हो जाती हूँ। वैसे आज मुझे किचन में कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, सब कुछ मैंने कल बना दिया था, सब कुछ फ्रिज में रख दिया है और खाना तो हमारे यहाँ वैसे भी कोई खाता नहीं होली में, सब मस्ती करने में ही लगे रहते हैं। हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम और बाकी स्नैक्स वगैरह रहते हैं वही लंच में खाते हैं, बाकी डिनर में देखी जाएगी अभी क्या होगा। बट अभी तो आई थिंक अभी तो सिर्फ और सिर्फ मूड है होली खेलने का और खूब सारा डांस करने का, नाचने का, पूल में मज़े करने का। और आप भी क्लिप्स देखिएगा मेरी होली की ज़रूर आगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट्स अगर आएंगे अच्छे तो मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता ताकि मैं आगे और अच्छा कंटेंट लाऊं। मेरा ऑलरेडी एक जो कुकिंग चैनल है उसमें अपनी रेसिपीज़ भी बताऊँगी जो मैंने बनाई है, उसको भी चेकआउट करिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, बाय, मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, अब नहाना तो हो गया है, अब मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। सो कॉफ़ी पियेंगे फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आज का वैसे प्रोग्राम तो है पार्टी करने का, ऑब्वियसली आज होली है तो कुछ ना कुछ धमाल तो होगा ही। सो चलिए देखते हैं आगे कैसे दिन निकलता है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, मिलते हैं फिर।
तो दोस्तों होली हो गई है स्टार्ट। सबसे पहले उद्घाटन किया है बच्चों ने पूल का, और ये देखिए किस तरह से मज़े लेके खेल रहे हैं। और ये मेरी बेटी है, उसके साथ उसका फ्रेंड है। और अब बच्चों को हटा दिया गया है, अब आ गए हैं बड़े इसमें, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड, जिनकी बेटी के साथ मेरी बेटी खेल रही थी। अब ये दोनों मज़े कर रहे हैं, और मैंने इनको साफ साफ बोल दिया कि मैं आऊँगी तो सबको हटना पड़ेगा। ये दोनों इतने मोटे हैं कि किसी और के बैठने की जगह ही नहीं है। और ये हूँ मैं अब अपनी ड्रिंक का लुत्फ उठाते हुए। और ये देखिए जैसे कि मैं अकेली पोजेज वोजेज मार रही हूँ, फुल मैंने फ़ोटोशूट किया है इस होली पे, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पे डालने वाली हूँ। और अब देखिए हमारी होली जो है वो शुरू हो गई है पूरे ज़ोरों शोरों से। और ये देखिए क्या हो रहा है, ये हो रही है होली पूरी तरह से। मुझे लगा था इस बार कोई होली नहीं खेलेगा या कोई आएगा नहीं, लेकिन चलिए मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हमारे नेबर प्लस मेरे हस्बैंड के बहुत बचपन के फ्रेंड हैं, इन्हीं के साथ हमने सेलिब्रेट किया अपने घर पे, और बहुत मज़ा आया दोस्तों। और ऐसी चल रही है हमारी होली। देखिए भाभी अपने फ़ोन में बिज़ी हुई हैं, पता नहीं वो भी शायद इंस्टा और फेसबुक की फ़ोटोज़ कलेक्ट कर रही होंगी, एडिट कर रही होंगी। और हम यहाँ लगे हुए हैं मस्ती में। खाने पीने से किसी को कोई मतलब नहीं है, बस इंजॉयमेंट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो इसलिए बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बस अभी होली ही खेलने का मूड है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड एक पिचकारी लाए, अबीर उड़ाने वाली, वही उड़ा रहे हैं। ये देखिए पूरा इनको पता नहीं क्या हो गया है आज, और पूरे फुल जोश में ये बस अबीर उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे मैं इनको दिखा रही हूँ कि ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं हाथ से उड़ा के अभी दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने हाथ से उड़ा के दिखा दिया कि हाथ से भी उड़ता है वैसे, मगर इनको देखिए ये पैसा वसूल हो रहा है ये पूरा पिचकारी का। और दोस्तों आगे मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं, इसमें थोड़ा सा मस्ती करते और ये देखिए दोस्तों शाम हो चुकी है और हमारे कॉलोनी वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने एक घर पे धावा बोल दिया सबने एक साथ। और यहाँ पे हो रही है हमारी कॉलोनी की होली, सब रंगे हुए, कोई पहचान में तो आ नहीं रहा कौन कौन है। बस यहाँ पे मैं भी हूँ जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मेरा फेस नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में हूँ। और मेरा भी फेस पूरी तरह से रंग से पोत चुका है, पूरी तरह से रंग लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी मेरा फेस पहचान में नहीं आ रहा है। और ये देखिए कॉन्वर्सेशन सुनिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। तो दोस्तों ये होली ऐसे ही चलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ सब फॉलो कर लीजिएगा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारी जो भी वीडियो मेरी आएंगी आगे आने वाली, वो अगर आप टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा कुकिंग चैनल कुक विद श्रद्धा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए फिर आप इंजॉय करिए हमारी होली। आप सबको एक बार और मेरी तरफ से आपकी और आपकी पूरी फैमिली को अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। इंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कमेंट्स मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय
और आप ये पूरी वीडियो देखिए और एंजॉय करिए हमारी कॉलोनी की होली। यार यार अच्छे से लगाओ, ये इसको व्लॉग में डालेंगे, ये वीडियो वायरल होने वाला है।